हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। और आज मैं किचन में हूँ क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ। एक तो गर्मी बहुत शुरू हो गई है तो वो प्रॉपर खाना खाने का मन थोड़ा कम करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज दही बड़ी बनाती हूँ, थोड़ी चाट खाएंगे शाम को तो अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। और आप लोग उस दिन से लस्सी की रेसिपी मांग रहे हैं तो मैंने सोचा मैं लस्सी भी बना लूँगी, तो वो बहुत जल्दी बनती है तो मैं आपसे रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। और मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ गुलाब जामुन फ्रॉम स्क्रैच, तो आई होप वो अच्छे बने ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर पचका भी हो गया तो भी दिखा दूँगी, आप लोग मुझे बता देना कैसे बनाते हैं। सो ये मेरे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए रेडी है। ये बन रही है पहले चाशनी, ये इमली की चटनी। मैं ना बहुत सारी इमली की चटनी बना के फ्रिज में रख देती हूँ। और ये ऑयल गरम हो रहा है बड़े फ्राई करने के लिए। तो मैं वड़े फ्राई करने के लिए इस तरह से आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करती हूँ। कई लोग स्पून्स का करते हैं और कई लोग तो हाथों से ही करते हैं। आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी लगता है। और ये रहे मेरे गुलाब जामुन फ्राई होते हुए, ये तो लगभग ठीक ही लग रहे हैं। अब देखो क्या हाल होता है इनका। तो आ गए हैं ये जनाब जिम से, और देखिए मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ, मेरा ही तो व्लॉग है। और बाहर ना आजकल आपको हमारी ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा तो प्लीज कोऑपरेट विद दैट, भी घर पे काम चल रहा है ना। सो अभी आ गए हैं जिम से। अभी क्या, अभी जिम हो गया और हम चलेंगे, पहले तो कुछ नहा के चाय थोड़ा सा पीऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे एसी देखना है। आज हमको एसी देखना है, एसी देखना है, वो चलेंगे। और फिर तो पता नहीं क्या होगा, अभी तो फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा कैसा। चाय रखूं आपकी? बस थोड़ा जब नहा लूं। तो भैया की चाय रेडी करके मैं उनको ढूंढ रही थी और वो घूम गए थे। सबसे पूछ रही हूँ, कोई सब बोल रहे अरे अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे। और ये रेडी हो गई है मेरी चाय, बाकी सब भैया लोगों ने चाय पी ली है और ये जोर शोर से काम चालू है। अच्छा, तो मैंने कल महेश से पूछा था, उसने मुझे बोला कि आप सब लोग चिकन खाते हो, तो कल की डेट पे सब लोग चिकन खाओगे? Yes. तो मैं बिरयानी बनाऊं या मैं कोरमा और रोटी बनाऊं? चलो आप लोग बताओ क्या खाना है। चलो बताओ, बिरयानी बनाऊं या कोरमा और रोटी? बिरयानी। महेश तुमको? ठीक है भैया, आप खाते हो? चलो बढ़िया है, तो कल हम लोग बिरयानी पार्टी करेंगे, आप लोग दोपहर का खाना मत लेके आना, ठीक है? इधर कौन है? अभी खाए? अच्छा, इन्होंने सुन लिया। हाँ, इन्होंने सुन लिया। तो हमारा फाइनल हो गया है, कल मैं सबके लिए बिरयानी बनाऊंगी और हम लोग बिरयानी पार्टी करेंगे। और कल भैया लोग घर से खाना नहीं लाएंगे, अपने पेंटर अंकल चले गए। वो पेंटर अब भैया खाते हैं? और दोनों लोग ना? हाँ चलो बढ़िया है, ओके डन। तो कल का फाइनल हो गया हमारा। और मैं अभी खा रही हूँ खाकरा और चाय। देखिए, चाहे जितनी गर्मी क्यों ना हो जाए, जो चाय लवर्स हैं ना उनको दिन की दो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी चाय है, मैं पंखे में बैठ के पी लेती ताकि मुझे अच्छी लगे। और ये देखिए जनाब आराम फरमा रहे हैं। क्या बोल के आए थे, मैं 10 मिनट में नहाऊं फिर निकलता हूँ? 10 के 20 मिनट हो गए, अब इनको उठने का बिल्कुल मूड नहीं है। हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, शोएब अभी नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं जल्दी से लस्सी बना देती हूँ और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं लस्सी कैसे बनाती हूँ। तो उस दिन जो मैंने बनाई थी वो मैंने कम बनाई थी क्योंकि हम कम ही लोग थे, आज मैं सबके लिए बना रही हूँ। तो मैं ये पूरा एक लीटर का जो पैकेट है अमूल मस्ती दही का, मैं उसका बना रही हूँ। आपके पास घर का जमा हुआ दही, आप वो भी यूज कर सकते हो। ये पूरा जो है मैं अपने मिक्सर जार में डाल दूंगी। सो एक्चुअली ना हम लोगों को, जैसे अम्मी उस दिन बोल रही थी कि हमको बाहर वाली लस्सी नहीं अच्छी लगती, वो इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि एक हमको बहुत ज़्यादा मीठी जो दांतों में लगे और चाशनी बनी हुई हो वैसी लस्सी हम लोगों को कम पसंद है। प्लस हम लोग बहुत ज़्यादा थिक लस्सी नहीं पसंद करते जो आपको चम्मच से खानी पड़े। हमको ऐसी लस्सी चाहिए होती है जो थोड़ी थिक भी हो लेकिन इतनी हो कि आप उसका सिप ले सको। तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा, बर्फ़ कम ज़्यादा जो भी है वो कर सकते हैं। अब मैं इसमें बर्फ़ डालूंगी, बर्फ़ आपके पास जितनी हो। सो ये मैंने डाल दी है ढेर सारी बर्फ़। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, बस मैं इतना ही डालूंगी और मैं बाद में देखूंगी अगर मुझे और ऐड करना है तो। और अब आप इसमें डालोगे चीनी, मैं चीनी अंदाजे से डालती हूँ।
तो जैसे ये फुल जार है तो मैं लगभग 2 से 3 ऐसे हाथ भर के डालूंगी। अच्छी लस्सी बनाने का सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपको उसे काफ़ी देर तक अच्छे से जो है विप करना है या रिड़कना है, हम बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। सो मैं अपना मिक्सर 1.5 मिनट तक चलाऊंगी। 1.5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सर में चला दिया है। आई थिंक कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। अब मैं थोड़ी सी टेस्ट कर लूंगी, मीठा भी चाहिए। सो अब मैं इसे ग्लासेस में डाल के सर्व करने से पहले एटलीस्ट 10 मिनट फ्रीजर में रखती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अपना रूह अफ़ज़ा और डालेंगे थोड़ा सा दही। अगर आपके पास दही की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हो और फिर हम सर्व करेंगे। तो ये 15 मिनट के बाद मैंने फ्रीजर्स में से लस्सी निकाल ली। अब मैं इसके ऊपर एकदम थिक दही डाल रही हूँ और फिर इसके ऊपर ये डाल रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा, एंड देन आवर लस्सी इज रेडी। सो शोएब जनाब ने फाइनली नहा लिया है और उन्होंने आके बोला मेरे लिए चाय बना दो। अब तुम किचन में लगी हो तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है, मतलब दूध बॉयल होने रखा है। और तब तक मैं ये दही बड़े असेंबल कर रही हूँ। तो नीचे ना अम्मी, सबा, रेहान, किसी को नहीं पता कि मैं दही बड़े बना रही हूँ। रिजा को दही पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसी चाट खाती है जिसमें दही ना हो, तो उसको दही बड़े में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब मैं ये असेंबल करके बाहर जब हम जाएंगे, जाने से पहले नीचे देती हुई जाऊंगी और उनको बड़ी खुशी होगी। दही बड़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चाट वाले व्लॉग में आप जाके देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ असेंबलिंग फिर से आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दही बड़े में अगर हरी चटनी और इमली चटनी का कॉम्बिनेशन ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। मेरे गुलाब जामुन काला जामुन बन गए हैं, थोड़े से फ्लॉप हो गए, आई थिंक मैंने ओवर कुक कर दिया है। चलिए अभी नीचे अम्मी और सबा के पास सबसे पहले लेके चलते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो आज मैंने बताया नहीं था, आप लोगों को पता था लेकिन अम्मी और सबा को नहीं पता था कि मैं आज भी लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सबको रेसिपी बताई, सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने रेसिपी बताई। और मैंने आज गुलाब जामुन ट्राई किए जो मेरे हिसाब से फ्लॉप हुए हैं। खा के देखो, मुझे टेस्ट भी गड़बड़ लग रहा है। और ये तो आप लोगों का फेवरेट है, खोल के देखो। मैंने सोचा कि गर्मी है, प्रॉपर खाना खाने का मन नहीं करता, कुछ ऐसे चाट वगैरह अच्छी लगती है। ये गुलाब जामुन है कि काला जामुन? अम्मी मैं बनाने वाली थी गुलाब जामुन, वो बन गया काला जामुन। इनको बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं काला जामुन, जो काला होता है यहाँ पे भी वही बोलते हैं, गुलाब होते हैं वो गुलाब जामुन। वो मुझसे गड़बड़ हो गई है, वो ज्यादा पक गया है तो वो गुलाब जामुन से काला जामुन हो गया। लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आप टेस्ट करके बताओ। रेहान जी तुम भी टेस्ट करके बताओ। आपको क्यों फ्लॉप लग रहा है? वो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि वो जला हुआ लग रहा है उसका कवर, है ना? अंदर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा, टेस्ट सही है। बिल्कुल जैसे तुम ढूंढ रहे थे। हाँ, कि वो टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे या तो फिर अंदर का टेस्ट भी समझ में नहीं आया, जितने बार बनाए वो चीज नहीं मिल रही थी ढूंढने से, लेकिन जो बना है अंदर के पूरे वैसे ही है, बस हाँ थोड़ा सा ये मेरे हिस्से का जला है बस। हाँ, वो फ्राई ज्यादा हो गया है, वो फ्राई थोड़ा कम होना चाहिए था, अंदर का पूरा वही है, डार्क हो गया। ठीक है, अंदाजा नेक्स्ट टाइम में मिलेगा। हाँ ठीक। सो हम निकल चुके हैं घर से, अम्मी औरों को मेरे जले हुए गुलाब जामुन अच्छे लगे। और अब हम जा रहे हैं एसी देखने। हम जा रहे हैं एसी देखने, और क्या बस अभी मेन सबसे इम्पोर्टेंट एसी है, क्योंकि उसकी पाइप जो है वो उसको फिटिंग करवाना है, ताकि बाकी काम भी उसके वजह से अटका नहीं है बट कहीं अटक ना जाए, तो वो जल्द से जल्द कर ले, और बाकी फिर फिट तो ऐसी बात नहीं होगा जब सारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी सबसे प्रायोरिटी में एसी है। सो मैं आ गई हूँ वापस घर। शोएब और मैं एसी देखने गए थे, लेकिन किसी के पास भी 2 टन का एसी रेडी अवेलेबल नहीं है। हमें 2 टन का चाहिए था, क्योंकि लिविंग रूम और डाइनिंग पूरे एरिया के लिए चाहिए। तो इसलिए हम वापस आ गए, और हमारी एक पहचान के हैं जिनकी बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, और जब हमने घर लिया था तब भी उन्होंने एसीज भेजे थे, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन कर दिया। मैंने संतोष भैया को भेज दिया है मेरे लिए चिकन लाने और बाकी थोड़ी बहुत दही वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें लाने, क्योंकि मैं अब तैयारी करूँगी कल की बिरयानी पार्टी की। और आप लोग यार प्लीज़ देखो, अम्मी और सबा बहुत स्वीट है, उन्होंने मेरे गुलाब जामुन, मेरे जले हुए गुलाब जामुन को भी अप्रूव कर दिया। लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अगर मुझे अपने गुलाब जामुन थोड़े और बेटर करने, एक नॉच बेटर करने, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो देखिए, मैंने इस बार गुलाब जामुन में डाला था मावा, पनीर,
मावा 200 ग्राम, पनीर 100 ग्राम, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और दूध, और ये सबको जो है मैंने उसको गूंद के, और मैदा, हाँ इन सबको गूंद के मैंने फ्राई किया था। तो लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कुछ थोड़ी सी भूल चूक हुई है मुझसे, या तो शायद फ्राइंग में भूल चूक हुई है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो वो बाहर का कवर जल्दी जल्दी ब्लैक हो गया। आज का वीडियो मैं यही खत्म कर रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ कल की तैयारी करने। और आप लोगों को भी इस बार मैंने काम दिया है मुझे हेल्प करनी है, आपको एक अच्छी रेसिपी बतानी है गुलाब जामुन की एकदम परफेक्ट वाली, तो वो जल्दी जल्दी बताइए ताकि मैं दोबारा ट्राई करूँ और फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। लस्सी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल।